और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने किया तलब। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। 20 साल पुराने केस में होगी पूछताछ। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा। विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार। शिवसेना की टूट के 18 महीने और 18 दिन के बाद ये फैसला हुआ। उद्धव ठाकरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एससी से न्याय की उम्मीद। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर आरोप लगाए। असली पार्टी पर उद्धव गुट की दलील खारिज हुई। स्पीकर ने कहा, शिंदे गुट असली शिवसेना। पार्टी में बंटवारे के वक्त 55 में से 37 विधायक शिंदे के साथ थे। चुनाव आयोग ने यही फैसला दिया था। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, लोकतंत्र की जीत हुई। लोकशाही के लिए फैसला बड़ा सबक। फैसले से जनता की हुई जीत। कोई अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड न समझे। स्पीकर के फैसले के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत किया। शिंदे गुट के पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल दिखा। स्पीकर के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संजय राउत ने कहा, आज का फैसला न्याय नहीं, साजिश है। बीजेपी शिवसेना को खत्म कर देना चाहती। स्पीकर के शिवसेना के पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, स्पीकर का फैसला मौका परस्ती है। महाराष्ट्र की जनता ये नाइंसाफी देख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, शिवसेना के फैसले में महाविकास अघाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवसेना पर फैसला संवैधानिक आधार पर नहीं लिया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, स्पीकर का फैसला सही नहीं। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। कांग्रेस ने भी फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, फैसले को गलत बताया। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। काले झंडे दिखाकर विरोध। स्पीकर के खिलाफ लगाए नारे। कार्यकर्ताओं ने मुंबई में नार्वेकर के खिलाफ हंगामा किया। शिवसेना पर आए फैसले का केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने स्वागत किया। कहा, फैसला नियम और कानून के मुताबिक बहुमत के माध्यम से। शिंदे की शिवसेना को असली गुट माना। इसका फायदा आने वाले चुनाव में होगा। मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, मालदीव किस देश से कैसा संबंध रखना चाहता है ये उनका फैसला, लेकिन भारत का अपमान करना सरासर गलत। मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जगह को मंजूरी दे दी है। 14 जनवरी से यात्रा शुरू होनी है। सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की अनुमति मिली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं। यात्रा जनता के मुद्दों के लिए न कि हिंसा मार्ग। तेलंगाना के वारंगल में पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह। गांव दामरा की स्कूली छात्राओं ने शिवराज के लिए लगाए मामा मामा के नारे। शिवराज ने छात्राओं को आशीर्वाद दिया। एमपी के भिंड में बुलडोजर से कांग्रेस नेता पर पुष्प वर्षा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमा संघार का भिंड में जोरदार स्वागत। और अब 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने किया रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार। कार्यक्रम में नहीं जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी। अधीर रंजन चौधरी भी नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाड़िया का एक्स पर पोस्ट, लिखा, भगवान श्री राम है आराध्य देव। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक फैसले लेने से रहना चाहिए दूर। कांग्रेस के फैसले पर पार्टी के अंदर ही उठ रहे सवाल। प्रमोद कृष्ण बोले, भगवान राम सबके देव। कहा, कांग्रेस में कुछ लोग हैं इस फैसले के पीछे। बीजेपी का मंदिर बता देना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। सभी देशवासियों का है राम मंदिर। सनातन के विरोध में कांग्रेस लेती है फैसले। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने नेता ठुकरा कर भारत की पहचान को किया अस्वीकार। श्री राम ही भारत की असली पहचान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कभी बदल नहीं सकता कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। देश की जनता करेगी कांग्रेस का बायकॉट। रामलला को काल्पनिक बताने वालों के लिए ये नई बात नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा सामने आया। निमंत्रण अस्वीकार करना सनातन विरोधी सोच। बार बार सनातन धर्म का अपमान किया है।
एबीपी न्यूज से बोले हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास, कांग्रेस को बताया रामद्रोही, कहा कांग्रेस नेताओं को नहीं देना चाहिए था न्योता। खड़गे और सोनिया पर वीएचपी का भी पलटवार, वीएचपी नेता शरद शर्मा बोले जिसे भगवान राम बुलाएंगे वही दर्शन करेगा, कांग्रेस की सोच सदैव राजनीति से प्रेरित, राम के नाम पर विरोधी सोच है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख करीब आते ही अयोध्या में दिवाली सा नजारा है, भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने की खुशी में जलाए जा रहे हैं दिए। जगतगुरु राम भद्राचार्य की सफाई, कहा मैं सभी वर्णों का सम्मान रूप से सम्मान करता हूं, किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने बनाया अयोध्या दर्शन का प्लान, कार्यक्रम को लेकर बनाई गई राम मंदिर दर्शन कमेटी, श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए 30 से 35 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, नृपेंद्र मिश्र और आलोक कुमार ने दिया न्योता, 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए कहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अमृतसर पहुंचे संघ और बीएसपी नेता, जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को आमंत्रण दिया गया, 22 जनवरी के कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया गया। अयोध्या में राम रसोई में श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है भोजन, लोगों को मुफ्त में खिलाया जा रहा है खाना, हर दिन 4000 लोग करते हैं भोजन। राम के रंग में रंगी अयोध्या नगरी, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर तरफ नजर आ रही भव्य सजावट, मुख्य द्वार से लेकर शहर में तमाम जगहों पर सजावट की गई। वडोदरा से अयोध्या पहुंची 108 फीट लंबी अगरबत्ती, अगरबत्ती की चौड़ाई 3.5 फीट, प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाई जाएगी अगरबत्ती। मुरादाबाद के बाजार में बढ़ी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड, हाथों हाथ बिक रहे राम मंदिर के मॉडल, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करीब आते ही बढ़ी बिक्री। जम्मू कश्मीर में बढ़ी राम मंदिर मॉडल की डिमांड, जम्मू में दुकानों पर मॉडल की चल रही कमी, होलसेल की ज्यादातर दुकानों पर सिर्फ मॉडल की पैकिंग कर रहे कर्मचारी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भगवत गीता की बढ़ी है डिमांड, गोरखपुर में गीता प्रेस पूरा नहीं कर पा रही ऑर्डर, रामचरितमानस का स्टॉक खत्म हुआ। भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में जयपुर की शुद्ध सरसों का तेल होगा इस्तेमाल, 6 राज्यों से लाई गई सरसों को निकाला गया तेल, सीएम भजन लाल ने तेल के 2100 टिन अयोध्या रवाना। हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हुई बस, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए रवाना हुए लोग, यात्रियों में दिखा उत्साह, लगाए जय श्री राम के नारे। 22 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर पुलिस की तैयारियां, प्रदेश भर में कई जगह पर चलाया गया चेकिंग अभियान, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन समेत कई जगह की चेकिंग। गाजियाबाद की महिला की राम भक्ति दिखाई दी, मुराद पूरी होने पर कर रही है वाहनों की फ्री सर्विस, पति की बीमारी की वजह से खुद मैकेनिक बन गई पूना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।